गुरु रहमत से तर जाएगा, 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 गुरु रहमत से तर जाएगा। इनकी सेवा जो भी है करे, इनकी सेवा जो भी है करे, ध्यान इनका जो निष्दिन धरे, ध्यान इनका जो निष्दिन धरे, सच्चा सुख तो वही पाएगा, सच्चा सुख तो वही पाएगा, सच्चा सुख तो वही पाएगा, सच्चा सुख तो वही पाएगा। जो गुरु मंत्र से गुरु चरणों के ध्यान से सुखी होना चाहता है वो समझो असली फूल लेकर सुगंध ले रहा है। बाकी जो फिल्म देखकर दुनियावी चीजों को भोगकर सुखी होना चाहता है वो समझो प्लास्टिक के फूल उठाकर सुगंध चाहता है। इनके दर्शन की महिमा बड़ी, इनके दर्शन की महिमा बड़ी, कितनी शुभ होती है वो घड़ी, सब पाएगा, बिन मांगे तू सब पाएगा। मिथ्या जग के नजारे सभी, मिथ्या जग के नजारे सभी, सुख न देते हैं हमको कभी, सुख न देते हैं हमको कभी, तुझको नश्वर ना फिर भाएगा, तुझको नश्वर ना फिर भाएगा, पंजाब के पठानकोट में बापूजी का अवतरण दिन मना रहे थे। श्री आशारामन का पाठ हुआ, फिर थोड़ा कीर्तन हुआ, बापूजी की वीडियो सीडी चली, कई लोग बैठे थे। उसमें एक परिवार ऐसा भी आया था जिनकी बहू 30 साल की रजनी बाला, उसको लकवा था, चल फिर नहीं सकती थी,
उठाकर लाए थे। शरीर का एक भाग लकवे से ग्रस्त था। जब सीढ़ी चली बापूजी की और बापूजी ने मधुर मधुर नाम कीर्तन कराया, सीढ़ी में लोग ताली बजा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, जिसका एक भाग पूरा लकवे से ग्रस्त था वो रजनी बाला ने भी हाथ उठाया और ताली बजाने लग गए। वो हाथ उठने लग गए, चल नहीं सकती थी उठाकर लाए थे, वो नाचने लग गई खड़ी होकर, बोल नहीं सकती थी तो वो भी हरि हरि ओम गाने लग गई कीर्तन में। उसकी सास ने पत्रकारों को बताया, ये घटना अखबार में छपी, मैंने पढ़ी, उसकी सास ने बताया कि हम उठाकर लाए थे पर अब वहां से हम इसको चलाकर ले जा रहे हैं, खुद चलकर चल रही है साथ। इनकी नजरों में हित है छिपा, इनकी नजरों में हित है छिपा, गुरु की नजरों में हित है छिपा, गुरु की नजरों में हित है छिपा, हर तरफ है बस इनकी कृपा, हर तरफ है बस इनकी कृपा, तेरा दिल भी ठहर जाएगा, तेरा दिल भी ठहर जाएगा, गुरु रहमत से तर जाएगा, गुरु रहमत से तर जाएगा। बोला मैं 32 साल से शराब पीता था, मांस खाता था, पर एक दिन बापूजी का सत्संग सुना, सब छूट गए, मेरा जीवन नहीं संवर गया, कईयों का संवर गया। तेरी तकदीर में जो लिखा, तेरी तकदीर में जो लिखा, तकदीर में लिखा है अगर कुछ भी, परंतु भक्ति में बड़ी शक्ति है। शिवजी को मानो ये सामर्थ्य है। नारद जी कहते हैं कि पार्वती तप करे तो शिव जी भावी को मिटा सकते हैं। हम महाकाल की नगरी में बैठे हैं, जो शिव है वो गुरु है, गुरु है वो शिव है। हम तप करें, ये तपस्या हो रही है, प्रतिकूलता में भी आनंदित रहना बड़ी तपस्या है। जंगल में जाके बैठने का नाम तप नहीं है, ये ऊंची तपस्या हो रही है सभी की, सभी भाइयों की, सभी बहनों की। जय हो। लिखा तो था कि विपरीत परिस्थिति हो कोई सत्संग में आ न सके, चलो मान लिया, परंतु साधकों ने उसको भी बदल के दिखा दिया कि कुछ